हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, कई सारे सब्सक्राइबर हमें पूछते हैं कि धोलेरा में रहने का सपना कब से पूरा होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि धोलेरा में रहने का सपना कब पूरा होगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको धोलेरा में रहना क्यों है। आपने लास्ट टू लास्ट एक वीडियो में देखा होगा, हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने टेलीफोनिक रिव्यू दिए थे धोलेरा विजिट के बाद। तो उन्होंने दो तीन बार उनके डिस्कशन में जिक्र किए थे कि धोलेरा में जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको बढ़िया आरओआई मिलेगा, लेकिन जो लोग इनिशियल फेज में धोलेरा में रहने के लिए आएंगे वो लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मलाई भी खाएंगे। तो दोस्तों, ये तो है क्योंकि स्मार्ट सिटी बिल्कुल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार हो रहा है। आज की तारीख में कुछ नहीं है, खेती का ज़मीन है, बारिश के टाइम पे पानी भरता है और वहाँ पे खेती भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। ऐसे ज़मीन में बिल्कुल शुरुआत से स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है, वहाँ की प्लानिंग को आप स्टडी करिए तो आपको इसकी डिटेल जानकारी मिलेगा। तो आपको ये समझना है किसी को कहीं रहने के लिए उसे क्या क्या जरूरत है। तो धोलेरा स्मार्ट सिटी में यदि आज की तारीख में किसी को रहना है, उसको सबसे पहले पीने का पानी चाहिए, क्योंकि धोलेरा का जो एक्चुअल पानी है वो खारा पानी है। तो धोलेरा तक नर्मदा का लाइन आ चुका है जहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है और आने वाले टाइम पे 4 से 6 महीने में ये WTP तैयार हो जाएगा, जहां से मीठा पानी धोलेरा में सप्लाई होगी। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मॉडर्न जमाने में बिना इलेक्ट्रिसिटी से कहीं पे भी कोई रह नहीं सकता है। तो उसके लिए धोलेरा स्मार्ट सिटी के बिल्कुल बगल में सोलर पावर प्लांट तैयार हो चुका है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम काफी तेजी से चल रहा है। उसके बाद जो रेसिडेंशियल लोग रहेंगे उनके घर से जो गंदा पानी निकलेगा, ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए जिसको स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले लिया जाएगा और वहां से उस पानी को रीयूज करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और एक बार लोग वहां पर रहने आएंगे, स्मार्ट सिटी एक लो लाइन एरिया में है जहाँ पे बारिश का पानी भरता था, तो उस बारिश के पानी को मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिटी के अंदर स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी जरूरत है, तो उसको भी तैयार होना चाहिए। और ये जो स्मार्ट सिटी है अहमदाबाद से करीबन 100 किलोमीटर दूरी पे है और आगे जो भावनगर है वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूरी पे है, तो उसको एक बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। कैसा कनेक्टिविटी? उसको एक्सप्रेस रोड की कनेक्टिविटी, उसको रेल का कनेक्टिविटी या उसको एयरपोर्ट का सुविधा। तो दोस्तों, आपको खुशी होगी, धोलेरा के लिए खुद की मेट्रो कनेक्टिविटी, खुद की एक्सप्रेस रोड कनेक्टिविटी, खुद की रेल कनेक्टिविटी, खुद की वोट कनेक्टिविटी के लिए भी काम हो रहा है। और स्मार्ट सिटी में कोई भी आएगा, हो सकता है आपका मेहमान, हो सकता है फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे होटल्स की ज़रूरत है, अच्छे रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ। तो स्मार्ट सिटी में आज की तारीख में अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट की भी कमी है। तो जो लोग रेस्टोरेंट बिजनेस में या होटल बिजनेस में हैं कहीं पर भी, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट चालू करेंगे तो आने वाले साल डेढ़ साल में उसको एक बढ़िया बिजनेस मिलेगा। स्मार्ट सिटी में कोई भी रहने आएगा, उसका डेली रिक्वायरमेंट के लिए एक बढ़िया मार्केट की भी ज़रूरत है। तो आप कहोगे ABCD के सामने सिटी सेंटर तैयार होगा, नॉलेज IT तैयार होगा, हो सकता है वो अगले 5 या 6 साल बाद तैयार होगा, लेकिन धोलेरा की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए धंधुका तैयार है।
बिल्कुल धोलेरा से 30 किलोमीटर दूरी पे धंधुका सिटी है, जहाँ से सब कुछ आज के तारीख में मिल जाता है। और जो लोग वहाँ रहने आएंगे फैमिली के साथ, उनको और उनके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल और हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, तो इसकी भी मांग धोलेरा में बहुत आएगा। और जो कोई भी इसी बिजनेस में है, यानी बच्चों का स्कूलिंग या अच्छी हॉस्पिटल के बिजनेस में है, वो लोग भी ये एक परफेक्ट टाइम है, हमें वो अप्रोच कर सकते हैं। और स्मार्ट सिटी में कहाँ पे हॉस्पिटल खोलना है, कहाँ पे एक बढ़िया स्कूल खोलना है, वो आने वाले टाइम पे अपना बिजनेस को धोलेरा के अंदर सेटल कर सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी वाली बात है वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट सिटी में आप जब रहने आते हैं, आपको जॉब मिलना चाहिए या किसी भी प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसके लिए चाहिए बढ़िया बढ़िया कंपनियां। तो अथॉरिटी जो है धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। इंडिया की अच्छे अच्छे कंपनियों का साइट विजिट धोलेरा में करा रहा है। जो लोग यहाँ पे अपना नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री को लाएंगे और ऐसा बिजनेस जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो, जो आने वाले टाइम पे सक्सेस हो और कई लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार भी दे। तो दोस्तों, ये सारे क्राइटेरिया को मैच करता हुआ धोलेरा में कौन से एरिया तैयार हुआ है, वो है 22.54 स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक्टिवेशन एरिया, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है। इंटरनली जो रास्ते का काम हो चुका है, हर एक प्लॉट हर एक लैंड तक सारे फैसिलिटी दे दिया गया है। हाँ, एक्टिवेट नहीं किया गया है, हो सकता है 1.5 या 2 साल में वो सब कुछ एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और जो एक्टिवेशन एरिया जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे 4% हाई एसेस लैंड अवेलेबल है, जहाँ पे नीचे दुकान बाजार और ऊपर 2BHK 3BHK अपार्टमेंट बनेंगे। तो ये इनिशियल लेवल में जो स्मार्ट सिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और बंगलो रो हाउस के लिए 28% ज़मीन स्मार्ट सिटी की जो एक्टिवेशन एरिया है वहाँ पे रिजर्व किया गया है। तो आने वाले टाइम पे आपको स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक्टिवेशन एरिया है वहाँ पे आपको रो हाउस और बंगलो का भी काम जल्दी दिखेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ग्राउंड को स्टडी करते हो, आप वहाँ पर जाके विजिट करते हो, आपको क्या दिखता है? कोई भी रो हाउस या बंगलो स्कीम का लैंड फिलिंग तक नहीं हुआ है, यानी जो प्लॉटिंग लेआउट बिक चुका है वहाँ पे डेवलपर अभी तक किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं किया है। वहाँ पे डेवलपर लैंड फिलिंग करेगा, इंटरनली रास्ते का काम करेगा, हर प्लॉट तक बिजली पानी का सुविधा देगा, ड्रेनेज की सुविधा देगा, फिर जाके वो प्लॉट आपको हैंडओवर करेगा, फिर उसमें आप 7 से 8 महीने में अपना बंगलो या रो हाउस का काम करेंगे। लेकिन वो सब कुछ आज के तारीख में कुछ भी नहीं दिखता है। तो रो हाउस और बंगलो बनना तो आने वाले 1.5 साल तक मुझे नहीं दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो है एक्टिवेशन की हाई एसेस कॉरिडोर। जो 4% वाली जो एरिया है, उस एरिया में डेवलपर नीचे दुकानें और ऊपर प्रीमियम 2BHK फ्लैट्स का निर्माण स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी भी यदि डिटेल जानकारी आपको चाहिए, आप हमें इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे जो मज़े वाली बात है वो है धोलेरा स्मार्ट सिटी में जो लोग सबसे पहले रहने आएंगे और साथ साथ में एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, उनको बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट से भी बढ़िया ROI मिलेगा। और वहाँ पे जो 100 प्रकार की अपॉर्चुनिटी आएंगे, उस अपॉर्चुनिटी से हो सकता है वो खुद फ़ायदा उठाएंगे या उनके भाई फायदा उठाएंगे या उनके बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको जानने के लिए आप एक विजिट का प्लान करिए कि स्मार्ट सिटी विजिट करिए, देखिए, समझिए और इस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी आपके मन में क्लैरिटी आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए,
ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।